बच्चों हम सभी जानते हैं कि मेटल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं एयर के साथ तो हमें ऑब्टेन होते हैं बच्चों मेटल ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ तो बच्चों हमें मिलते हैं साल्ट प्लस हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं वाटर्स के साथ दैट मीन्स एक्टिव मेटल को तो बच्चों हमें मेटल के हाइड्रोक्साइड और कुछ केसेस में ऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है जो एक्टिव मेटल के केसेस में कैचिंग फायर बन जाती है मीन्स आग पकड़ लेती है। तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बच्चों हमने इनके बारे में स्टडी करी और इन सभी में हम लोगों ने देखा कि नॉन मेटल में से किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है बच्चों कि क्या मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हमें क्या देखना है कि अगर हम लोग रिएक्ट कराएं मेटल को और नॉन मेटल्स को, तो मेटल और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराने के बाद हमें यहां क्या ऑब्टेन होगा। इसको समझने से पहले बच्चों हमें मेटल्स को समझना होगा, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। हमने बच्चों पीछे में भी आपको बताया था, अगर आपने याद होगा तो हमने बात करी थी एल्कली मेटल्स की, एल्कलाइन मेटल्स या एल्कली मेटल्स क्षार धातुएं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इनमें मैंने कुछ नाम लिखे भी थे बच्चों, मैं एटॉमिक नंबर के साथ लिखूंगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम और ट्रांसियम। बच्चों यहाँ पे इनके भी एटॉमिक मास मैं लिख दे रहा हूँ, सीजियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, फ्रांसियम बच्चों रेडियो एक्टिव छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर मैं बच्चों एक और टेबल यहाँ बगल में बनाऊँ और वो टेबल होगी एल्कली अर्थ मेटल्स की हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्षारीय मृदा धातुएं। तो बच्चों कौन कौन सी क्षारीय मृदातुओं के बारे में आपने पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है बी एटॉमिक नंबर 4, फिर इसके बाद पढ़ा है बच्चों मैग्नीशियम कितना होता है 12, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम कितना होता है हमारा 20, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और रेडियम, ठीक है ना। तो ये बच्चों रेडियम रेडियोएक्टिव है, इसको हम छोड़ देते हैं और इसका हो जाता है 38 और ये हो जाता है बच्चों हमारा 56। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स को देखें और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बनाएं तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2-1, यहाँ पे बच्चों 2-8-1, यहाँ पे 2-8-8-1 और यहाँ पे बच्चों 37 का 2-8-18-8-1। तो बस मैं इतने का बना दे रहा हूँ, बाकी आप देख समझ गया होंगे, आइडिया लग गया होगा। 2, 2, 2, 8, 2 और यहाँ पे 2, 8, 8, 2 एंड सो ऑन। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए इसको बना तो दिया हूं मैं, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और मैं बात करूंगा बच्चों नोबेल गैसेस के बारे में। क्या है नोबेल गैसेस? आपको बच्चों अब लगने लगा होगा कि सर तो बताना कुछ और था और भूल गए, शायद डाइवर्ट हो गए। नहीं बच्चों, हम लोग धीरे से उस टॉपिक की तरफ आएंगे और ये बड़ा मजेदार होने वाला, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको पहले से ही। तो इसको देखिएगा बच्चों जरूर क्या होने वाला, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन। और बच्चों मैं अगर इनके एटॉमिक नंबर्स लिखूं तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86। सारी कहानी बच्चों नोबेल गैसेस से ही स्टार्ट होगी। तो मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बच्चों 2, 2, 8, 2, 8, 8, यहाँ पे 2, 8, 18 और 8, सो ऑन टू, इसी तरह से। ठीक बात है बच्चों, समझ आ रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर मिले इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा, मैंने बना दिया 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18 और 8। आपको लग रहा होगा ये सर पढ़ाने लगे मेटल प्लस नॉन मेटल से क्या नोबेल गैस पे पहुंच गए, मैं धीरे धीरे स्लाइडली पहुंच रहा हूँ अभी वहाँ पे। बच्चों साइंटिस्ट को लगा कि ये नोबेल गैसेस नोबेल क्यों हैं, ये इनर्ट गैसेस क्यों या किसी से रिएक्ट करना पसंद क्यों नहीं करती, क्या इस वजह से कि ये मोनोएटॉमिक है इस वजह से, या ऐसे कौन से इनके अंदर सबके अंदर एक चीज कॉमन वो जानना चाहते थे जिससे उन्हें लगे कि ये लोग इनर्ट क्यों हैं, ये लोग नोबेल क्यों हैं। बहुत लंबी स्टडीज के बाद साइंटिस्ट को लगा कि इनके नोबेल होने के पीछे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है। आप देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी बच्चों 8 है और यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है।
हीलियम को एक्सेप्शन के तौर पे हम छोड़ देते हैं। आगे के कभी वीडियो में मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि हीलियम क्यों एक नोबेल गैस है, जबकि इसके ऑक्टेट में 8 आगे नहीं लगा हुआ है, इसकी जो वैलेंस सेल है वो 8 नहीं है। तो यहाँ पर 8 और 8 देखा साइंटिस्ट ने और ये स्टडी करी उन्होंने, तो रिजल्ट्स निकाले कि जिन भी एलिमेंट के लास्ट में मींस जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, संयोजी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो इन्हीं की तरह इनर्ट हो जाएगा। That means, सभी लोग अपने आउटर सेल में एट करना चाहते हैं। अब बच्चों हम देखें तो यहाँ पे आप देखो सबके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये तो कहीं ना कहीं नोबेल गैस से बहुत दूर है। इनके भी बारे में अगर बात करें तो आप देखिए आउटर सेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मेटल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर सेल में बच्चों 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके बगल में मैं बच्चों एक और फैमिली बनाऊंगा और सारी पिक्चर आपको अब क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे बच्चों बना दे रहा हूँ हैलोजन्स, और हैलोजन बच्चों मैं कौन कौन सा बनाऊंगा जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बना दे रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर लिखूँ तो 9, 17, 35, 53 और 85। मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख चुका हूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना देता हूँ। देखिएगा इसका बच्चों बनेगा 2.7, यहाँ क्या बनेगा 2.8.7, 2.8, 18 और 7, बस आगे आप समझदार हैं। तो इस तरह का जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो मैंने स्टडी करी कि यहाँ पर देखिए सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सबके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर सबके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके आउटर सेल में जब हम 1 इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं तो एक खास चीज़ दिखती है कि इन सभी के अंदर तो 8 है, 8, 8, 8 सबके लास्ट में 8 है। इसी तरह बच्चों आप अगर एल्कली अर्थ मेटल को देखें तो यहाँ भी आउटर सेल में आपको 2, 2 दिख रहे हैं, पर इसके अंदर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हर एलिमेंट को करने कितने हैं, हर सभी को करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में। और जब सभी को अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इनके लिए इनको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, जो बहुत मुश्किल है। इससे ज़्यादा आसान क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने सर्कल कर रखा है ये दे दें किसी को, छोड़ दें, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को छोड़ दें, दे दें। अगर ये इनके आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए या इनके आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन देखिए क्या हो जाएगा, 2, 2, 8 और 2, 8, 8, मतलब एकदम नोबेल गैसेस जैसा बन जाएगा। तो इनके लिए मच फाइन बेटर है कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करें। अब डोनेट करें तो किसको करें, किसको ऐसे बाजार में क्या फेंक देंगे, क्या सब्जी मंडी है कि भाई जिसको चलो मैंने डाल दिया तो जानवर आएंगे चर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना बच्चों। यहाँ पर तो कोई लेने वाला रिसीवर भी तो होना चाहिए। तो हमें दिखा कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है। तो ये लोग बोल सकते हैं कि भाई देखो ये आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपके पास आप किसी को देना चाहते हो और इसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है तो वो आप इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए। तो जरा समझिएगा Na के आउटर सेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl को 7 इलेक्ट्रॉनों के बाद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इनके आउटर सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करता है, Cl की तरफ। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर गया, Cl की तरफ। अब बच्चों जब दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ पहुंच गया तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, एक संबंध बन गया। मैं इन डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये बच्चों मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया कि Na और Cl जो हैं वो एक लगाव से, एक जुड़ाव हो गया दोनों के बीच में, एक रिलेशनशिप बन गया। डॉटेड लाइन दिख रहे होंगे ना बच्चों। अब ये एक फोर्स है दोनों के बीच में जो दोनों को बांध के रखता है। तो बच्चों वो कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को बांध के रखता है, बच्चों वो फोर्स कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में बताया गया है कि दो आयंस हो, अगर उन दोनों आयंस को बांध के रखना है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी वजह से बच्चों इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स कहलाए बच्चों क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान दीजिएगा आप इसको।
ये, तो ये दोनों किससे बंधे हुए हैं, Na और Cl, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होने की वजह से जिस फोर्स ने, जिस लगाव ने, जिस बल ने इनको बांध के रखा है, उस बल को, उस लगाव को नाम दिया गया बॉन्ड, आबंध का नाम। और वो आबंध बच्चों क्या कहलाया, वो आबंध हमारा कहलाया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और या फिर आयोनिक बॉन्ड। उन्होंने दूसरा इसका नाम क्या सजेस्ट किया, आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम आयोनिक बंध भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। एक मैं दूसरा भी एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां देखिए आपके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल यहां बना रहा हूं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल के ऊपर और आपको लगभग सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर बच्चों मैं ऑक्सीजन को लिखूं तो ऑक्सीजन का एट हो जाता है और कॉन्फिगुरेशन क्या बनता है ऑक्सीजन का बच्चों, 2.6। और मैंने यहाँ पे देखा कि Mg का या Ca का देखा कैल्शियम 20 का, और वो बन रहा था 2.88 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहानी कहाँ पे आके अटक गई, कहानी यहाँ अटकी कि इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। या तो ऑक्सीजन कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले आए तो उसके 8 हो जाएं, और या तो फिर ये भी कहीं से 6 ले आए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, या ये 2 किसी को दे दें। तो इनके लिए ज़्यादा इजी ऑप्शन है कि ये किसी को वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो देखिए कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो ये एक्स्ट्रा हैं वो किसकी तरफ बच्चों शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। और फिर जब ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे तो इनके बीच में जनरेट क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनके बीच बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड बच्चों जब इनके बीच में फॉर्म हो गया, यहाँ CaO के बीच में, यहाँ NaCl के बीच में, तो जब ये बॉन्ड बच्चों फॉर्म हो गया CaO में भी और NaCl में भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये अपनी जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन सोडियम की अपनी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, या फिर कैल्शियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन, अपनी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स को खो देते हैं और एक नई करेक्टरिस्टिक्स को ऑप्टेन कर लेते हैं। तो हम लोग आगे वीडियो में उन करेक्टरिस्टिक्स के भी बारे में बात करेंगे कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम लोगों ने अब जान लिया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बच्चों रिएक्शन होती है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच की रिएक्शन से हमें बच्चों क्या ऑप्टेन होता है, साल्ट, हमें साल्ट ऑप्शन होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक अभी तक समझ आ गया होगा और आपको मेरे हिसाब से इस टॉपिक में हम लोग अब बात कर लेना चाहिए हमें करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए बच्चों मैं करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो मैं पहला कैरेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं बच्चों, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। क्योंकि बच्चों इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, CaO चाहे NaCl के बीच में, तो फोर्स हाई होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल किस स्टेट में पास पास होते हैं, एक ही स्टेट बच्चों, सॉलिड स्टेट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं वो किस स्टेट में पाए जाएंगे बच्चों, उनकी फिजिकल जो स्टेट होगी वो फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड। तो मेरा पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया कि फिजिकल स्टेट जो है उनकी सॉलिड है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, और दूसरा पॉइंट बच्चों होगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग। अब समझिएगा, जो कि इनके बीच लगने वाला जो बच्चों फोर्स है वो बहुत हाई होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन या सोडियम और क्लोरीन के बीच लगने वाला फोर्स बहुत हाई होता है, और इस फोर्स को हमें अगर अलग करना है, हमें इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, तो हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बच्चों बहुत हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP जो है बच्चों वो बहुत हाई होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों ये किसमें सॉल्युबल है और किसमें सॉल्युबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा बच्चों बहुत, सॉल्युबिलिटी किसमें सॉल्युबल है,
तो बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो बच्चों वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो वाटर इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ध्यान समझिएगा, वाटर इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, किसके किसके बीच में बच्चों, Na और Cl के बीच में या फिर हमारे Ca और O के बीच में, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, मीन्स NaCl को तोड़ देगा Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर उसको अपने साथ एडॉप्ट कर लेगा और हाइड्रोक्साइड और आपको हाइड्रोजन आयन वाले एसिड और बेस ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर सॉल्युबल हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा वाटर सॉल्युबल हैं, और वाटर सॉल्युबल होने के पीछे, वाटर सॉल्युबिलिटी होने के पीछे वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, परावैद्युत स्थिरांक जो बहुत उच्च होता है, लगभग 80.6 नियरली होता है, इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बच्चों कौन कौन आ जाते हैं आपके नाम, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बच्चों ये सॉल्यूट नहीं होंगे, ये नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन आ गया बच्चों, देख लीजिए आप लोग, जैसे एथाइल अल्कोहल आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, डाइएथिल ईथर आ गया, बेंजीन हो गई हमारी। तो ये आपके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो जैसे बेंजीन है आपका, ये बेंजीन है मेरे पास बच्चों, बेंजीन, ठीक है ना। तो बेंजीन जैसे जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहाँ पर बच्चों आपका ये यहाँ पर एथाइल अल्कोहल हो गया, तो इन सॉल्वेंट में अगर आप चाहें कि हम इनको साल्ट्स को डिसॉल्व कर दें, तो बच्चों वो इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी मीन्स हो गया कि ये बच्चों लाइट को अपने में से कंडक्टिविटी, जो दो मिनट टाइम दीजिएगा, कंडक्टिविटी। तो बच्चों देखिए ये जो है ना सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्टर क्यों नहीं है। बच्चों सॉलिड देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या आयन होने चाहिए, लेकिन NaCl जब या CaO जो सॉलिड स्टेट में होता है तो इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ना ही आयन होते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसको हम वाटर सॉल्युबल कोई सॉल्यूशन बना लें या मेल्ट कर दें, ध्यान दीजिएगा दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है मेल्ट कर दे, और दूसरा क्या कर दे इसको हम एक सॉल्यूशन बना ले, तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये कंडक्टर हैं, लेकिन कंडक्टर होने के पीछे भी एक शर्त छुपी हुई है, ठीक है ना। कंडक्टर है लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया, और सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, और हाँ एक फाइनल पांचवी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं चाहे तो उसको भी बना सकते हैं, पांच पॉइंट बना लीजिएगा कि इसमें आयन अवेलेबल होते हैं, इनमें आयन्स अवेलेबल होते हैं आपके। तो ये सारी कहानी बच्चों आयनिक कंपाउंड की हुई है। मैं एक बार फिर दोहरा दूंगा कि हाई मॉलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सॉलिड स्टेट में है, हाई मॉलिकुलर बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत हाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए इनको अलग करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। कंडक्टिविटी शो करेंगे लेकिन किस मोल्टन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये वाटर सॉल्युबल हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। और इसके अलावा बच्चों इनमें आयन्स पाए जाते हैं, ध्यान देना आयन्स पाए जाते हैं, दैट मींस NaCl आपका क्या फॉर्मेट शो करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो बच्चों इस टॉपिक में हम लोगों ने एक साथ दो चीजों को एक्चुअली कवर अप किया है, एक हम लोगों ने कवर अप किया है मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से हमें क्या ऑब्टेन होता है, और दूसरा इसी बीच में हम लोगों ने यह भी कवर कर लिया कि हमारे आयनिक कंपाउंड या जिनको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं, उन कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बच्चों मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप पढ़ के मुझे जरूर बताइए कि आपको इस टॉपिक में कहां पे क्या इशू आ रहा है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा है, कोई भी एक बात मेरी बताइए आपको अच्छी लगी है, तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। अगर वीडियो में चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे चैनल के लिए आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक